इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ एक प्रोग्राम के बारे में देखा था 1975 में गवर्नमेंट ने डॉक्टर फुलरेनो गुहा नामक लेडी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाया था एंड वो कमेटी का पर्पस था कि विमेन को इंडिया के विमेन को एजुकेटेड बनाना उनके प्रोग्रेस और उनके डिफ़िकल्टीज़ को सोल्व करना वगैरह वगैरह सो I'm going to read the same paragraph which we have ended in the last video. International Women's Year. The United Nations had declared 1975 as the International Women's Year. The three aspects of this program were peace, development, and equality between men and women. In 1975, the Government of India constituted the Committee on the status of women and appointed dr full reno guha as its chairman a comprehensive survey was conducted of several issues such as the social position of women their status the consequences of the constitutional provisions made for women as also education of women and its percentage

समाज के या विमेन फेस करने वाले प्रॉब्लम्स के पूरे सर्वे किया गया टेकिंग इन टू दिस एंटायर बैकग्राउंड ये सभी टोटल बैकग्राउंड का ध्यान रखते हुए या उसको नज़र में रखते हुए अ स्टेट वाइड कॉन्फ्रेंस फॉर विमेन वॉज हेल्ड इन 1975। एक स्टेट वाइड यानी पूरे स्टेट भर के पूरे कंट्री भर एक कॉन्फ्रेंस बनाया गया फॉर विमेन अवृतों के लिए विच वॉज हेल्ड इन नाइनटीन सेवेंटी फाइव एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई स्त्री मुक्ति स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जो महिलाओं के लिए काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति के ऑर्गेनाइजेशन या वो वो समिति ने ऑर्गेनाइज किया एक स्टेट वाइड कॉन्फ्रेंस फॉर विमेन विमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रीजियंस पार्टिसिपेटेड इन इट ये जो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस मीन्स इट्स अ मीटिंग इस कॉन्फ्रेंस में हर वॉक्स ऑफ लाइफ के यानी समाज के हर फील्ड में रहने वाले औरतें सभी रीजियन में रहने वाले लोग पार्टिसिपेट किए द समिति पब्लिश इट्स मैनिफेस्टो इन 1978 मैनिफेस्टो मीन्स अ पब्लिश्ड डिक्लेशन एक समिति का एक ऑर्गेनाइजेशन का इवन एक सिंगल इंडिविजुअल का भी कुछ डिसीशन है जो समाज को असर करने वाला है तो इट इज़ पब्लिश्ड एज अ मैनिफेस्टो उसको पब्लिश किया करते हैं थ्रू विच या थ्रू दैट पब्लिकेशन द समिति या द ऑर्गेनाइजेशन यो जो कोई भी वो कम्यूनियन है कम, जो कमेटी है वो अपना डिसीशन को डिक्लेयर करते हैं अपना मोटिव को अपना मकसद क्या है इंटेंशन उसको डिक्लेयर करता है सच अ प्रिंटेड या पब्लिश्ड डिक्लेरेशन इज कॉल्ड मैनिफेस्टो सो ये समिति ने स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति ने अपना मैनिफेस्टो 1978 में पब्लिश किया जिसके ज़रिए समाज में हर एक व्यक्ति को ये पता चला कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ या व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति

वो भेदभाव चाहे जेंडर के लिए हो जेंडर मीन्स स्त्री और पुरुष के बीच में हो कास्ट के लिए हो यानी अलग अलग रिलीजन अलग अलग जात के लिए हो जात पात के लिए हो वरना चाहे वो वरना के बेसिस में हो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन समाज में होने से उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना है उसको नहीं होने देना है सच पॉलिसी वॉज एडोप्टेड अब ये वरना क्या है इंडिया के समाज को एक जमाने में बहुत पहले चार डिफरेंट वर्नास में डिवाइड किए हुए थे सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा जो प्रिविलेज वाला क्लास था ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स के नीचे यानी उससे कम अधिकार या प्रिवलेज दैट इज क्षत्रिय तीसरा तो क्लास होता था वैश्य और नेक्स्ट लास्ट वाला होता था शूद्र तो ये क्लास वाइज या ये वारना के हिसाब से समाज के लोगों को डिवाइड किया करता था और सबसे लोवेस्ट जो क्लास है उनको समाज के ज़्यादातर तकलीफों को झेलना पड़ता था सो so, चाहे जेंडर के नाम से हो या uh, कास्ट के नाम से हो या फिर वरना समाज में कोई डिस्क्रि डिस्क्रि डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके अगेंस्ट पॉलिसी एडॉप्ट किया दिस गिव राइज टू द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स कॉल्ड स्त्री मुक्ति चिललकारी और स्ट्रीट प्ले कॉल्ड मुलगी झाली हो बाई ज्योति मापसेकर एंड अ पीरियोडिकल कॉल्ड प्रेरक ललकारी विच बिकेम द माउथ पीस एंड अदर सच प्रोग्राम्स तो इस तरह स्त्री के उन्नति के लिए प्रोग्रेस के लिए जो आवाज़ उठाने लगे तो ये कमेटीज़ के या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के ये समिति का माउथ पीस मतलब वो अपने काम किस तरह करते थे किसके ज़रिए समाज में पहुँचा देते थे वो जरिया है एक बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स स्त्री मुक्ति ची ललकारी मतलब ये गानों के जरिए लोगों को जागरूक करते थे स्त्री मुक्ति के लिए जन अ, महिलाओं का आज़ादी के लिए एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग स्ट्रीट प्ले स्ट्रीट प्ले मतलब स्ट्रीट में नाटक करना मीन्स ड्रामास करना और उसमें से एक स्ट्रीट प्ले का नाम है मुलगी ज़ाली हो और ये ऑर्गेनाइज करने वाला व्यक्ति है ज्योति मापसेकर और पीरियोडिकल्स भी उन लोगों ने पब्लिश किया जिसके जरिए उन लोग समाज को बता सके कि समाज में स्त्रियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है और उससे कैसा छुटकारा पा सकता है ऑल दीज थिंग्स एंड सच अ पीरियोडिकल वॉज प्रेरक ललकारी अभी पीरियोडिकल क्या है पीरियोडिकल मीन्स इट इट में बी अ मैगजीन और इट कैन बी अज़ पेपर बट द स्पेशलिटी इज दिस काइंड ऑफ पीरियोडिकल्स पब्लिश इन अ रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम प्रॉपर इंटरवल्स ऑफ टाइम के हिसाब से पब्लिश किया करने वाले बुक्स को या मैगजीन को या फिर न्यूज़ पेपर को बोलते पीरियोडिकल्स एंड थ्रू दिस पीरियोडिकल्स दिस टॉकिंग टू द पीपल सो दैट इज़ वाई दिस पीरियडिकल्स एंड दिस ऑल दिस त्री मुक्ति ची ललकर सॉन्ग्स एंड ऑल दिस आर कॉल्ड एज माउथ पीस और इसी तरह और भी प्रोग्राम्स के जरिए समाज में जागरूक समाज को जागरूक करने का कोशिश किए In 1977 groups like the बने. में से स्त्री मुक्ति आंदोलन वो सऊदामिनी राव के लीडरशिप में बनाया गया दॉ इन पुणे बाया जाटली फोर्टुनेटली मीन मतलब पंद्रह दिन दो हफ्ते का वक्त दो हफ्ते में या पंद्रह दिन में या मंथली दो बार पब्लिश होने वाले चीज को फोर्ट नाइट ले कहते हैं सो so, बाया जा एक फोर्टनाइट ली एंड एंड स्त्री, स्त्री अन्याय विरोधी इन औरंगाबाद औरंगाबाद में इसके अलावा स्त्री उवच और माइत्रीण और स्त्री अन्याय विरोधी मंच वगैरह औरंगाबाद में हुआ महिला दक्षता समिति इन कोल्हापुर कोलापुर में एक समिति बना महिला दक्षता समिति महिला हक इन नासिक नासिक में जो समिति बना उसका नाम है महिला हक नारी प्रबोधन मंच इन लातूर लातूर में नारी प्रबोधन मंच बना एंडी डाउरी प्रोटेक्शन कमेटी वर फॉर्म्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र महाराष्ट्र में हर जगह एंडी डाउरी प्रोटेक्शन कमेटी डावरी मीन्स दहेज शादी के वक्त लड़के लोगों के घर लड़की के घर वाले जो लड़के के घर वालों को देने वाला जो बड़े रकम होते हैं कभी रकम के रूप में या कभी अलग अलग चीज़ों के रूप में घर के रूप में गाड़ियों के रूप में सोने के रूप में वगैरह देने वाले जो अमाउंट है उसको डौरी कहते हैं तो एंटी डौरी टी मीन्स डौरी के अगेंस्ट खिलाफ़ जो प्रोटेक्शन कमेटी भी बनाया गया महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह में अ कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ विमेन वॉज ऑर्गेनाइज इन धूले सिटी और कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस मीन्स मीटिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ़ विमेन औरतों के अगेंस्ट जो काम होता है औरतों को रोकने का जो कोई भी एक्शंस होते हैं उसके अगेंस्ट काम करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस अरेंज किया गया इन धूल् सिटी महाराष्ट्र के धूल्हे में विद्या बाल पीरियडिकल्स विद्या बाल नामक जो समाज सेविका है उनका पीरियोडिकल्स विद्या जो अभी का प्रसन्न विद्या नहीं नारी समता मंच एंड मिलून सारियाजनी एस ऑल्सो द वर्क ऑफ समाजवादी महिला सभा एंड द क्रांतिकारी महिला संगठना वेर ऑफ ग्रेट हेल्प इन डीलिंग विद वुमन्स इश्यूज औरतों के या लेडीज़ के इश्यूज़ को प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डील करने के लिए विद्या बाल के पीरियोडिकल्स बहुत काम आया नारी समता मंच और मिलून सारियाजनी इस तरह और भी समाजवादी महिला सभा क्रांतिकारी महिला संगठन वगैरह वगैरह सभी ऑर्गेनाइजेशन बहुत हेल्प किया द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन महाराष्ट्र ऑल्सो हेल्प टू एम्पावर वेमेन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम दैट मीन्स ऐसा एक स्कीम होता है जहाँ पर जो एलिजिबल है जो डिसव uh, करते हैं जो जॉब जो काम जो एम्प्लॉयमेंट वो लोगों को देने में हेल्प करने वाला जो स्कीम है दैट इज एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के जरिए भी वुमेन को एम्पावर करने में महाराष्ट्र में हेल्प हुआ प्रमीला एस्टैब्लिश द महिला दक्षता समिति इन दिल्ली इन 1976 1976 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति को एस्टैब्लिश किया स्टार्टिंग किया कौन दंदावटे ब्रांचेस ऑफ द समिति और धीरे बाद में बात में बाद इस, महिल, इस का, महिला दक्षता समिति का और भी ब्रांचेस अलग अलग स्टेट में स्टार्ट हुआ जैसे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला ओडिशा, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एंड इवन पंजाब द कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश द अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठना इन 1980 नाइनटीन में कम्युनिस्ट पार्टी अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठना बनाया इफर्ट्स वर मेड टू स्टार्ट ब्रांचेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया इंडिया के सभी पार्ट्स में सभी जगह में इस ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांचेस बनाने का भी कोशिश जारी रहा द संगठटना स्टार्टड अ स्ट्रगल अगेंस्ट इश्यूज लाइक डाउरी फीमेल इन्फेंटि सॉरी फीमेल फिटिसाइड डोमेस्टिक एब्यूज तो ये संगठना बहुत कोशिश करने लगे लड़ने लगे क्या क्या सामाजिक इश्यू के खिलाफ एक है डारी डाउरी मीन्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू डाउरी मीन्स द हेज फीमेल फीटिसाइड फीटिसाइड मीन्स जो बेबी माँ के पेट में जब रहता है उसे कहते हैं फीटस फीटिसाइड मीन्स इफ द चाइल्ड इज डिक्लेयर्ड एस अ या आइडेंटिफाइड चाइल्ड इज चाइल्ड बच्चा जो मम्मी के पेट में है वो ऑलरेडी पता चला कि ये बेबी है या फिर मतलब गर्ल चाइल्ड है तो उसको माँ के पेट में ही मार डालना फीटिसाइड फीटिसाइड मीन्स फीटस को मार देना डोमेस्टिक अब्यूज और लेडीज को अपने ही घर में जो पीड़ाएँ सहना पड़ते हैं उनके अगेंस्ट जो वायलेंस होते हैं ये सभी के अगेंस्ट संगठटना ने स्ट्रगल स्टार्ट किया रिसर्च ऑन विमेंस इश्यूज वो सेंडल एट वेरियस लेवल्स सो औरतों के प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ के बारे में बहुत सारे रिसर्च भी अलग अलग वेरियस लेवल्स ऑफ सोसाइटी में किया गया विमेन स्टडीज सेंडरवेयर स्टार्टेड एट द फर्स्ट विमेन्स यूनिवर्सिटी द श्रीमती नथी बाई दामोदर ठाकर से एस एन डी टी विमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई एंड एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एंड शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर तो काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी बनाए गए जहाँ पर विमेंस को आज़ादी से एजुकेशन मिल सके सबसे पहला विमेंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया इंडिया का फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर एंड इट इज़ Commonly known as SNDT Women's University. It is in Mumbai. Today, there are girls And at Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Other university is Savitribai Phule, Pune University. And one more in Kolhapur, that is Shivaji University. These centers played an important role in critical analysis and. Uh,

डिटेल्ड स्टडी करना उसके अंदर सही गलत सब कुछ देखना दैट इज़ एनालिसिस क्रिटिकल एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स जो अभी कोई एक चीज़ें समाज में चल रहा है या फिर कोई एक राइटर ने कुछ लिखे हुए उसको क्रिटिसाइज करते हो, उसमें क्या मिस्टेक है क्या सही है क्या गलत है उसके पूरी डिटेल्ड स्टडी दैट इज़ अ क्रिटिकल एनालिसिस सो ये यूनिवर्सिटी या ये का मदद से समाज में एक क्रिटिकल एनालिसिस कर पाया एंड विमेन्स इश्यूज को अच्छी तरह समझ पाया नाउ वी आर गोइंग टू सी सम लॉस फॉर विमेन। औरतों के हक के लिए कुछ कानून बनाया हुआ उसके बारे में देखेंगे द लॉ इनएक्टेड इन नाइनटीन फिफ्टी टू रिकग्नाइज विमेन्स राइट टू एलिमनी एंड देयर शेयर इन फादर्स प्रॉपर्टी एलिमनी मीनस सपोज अभी एक हजबेंड और वाइफ डिवोर्स लिया तो हजबेंड को मंथली या कुछ अमाउंट रेगुलर खर्चे के लिए वाइफ को देना पड़ता है दैट मीन्स एलिमनी इज़ दैट अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ गिवन टू अ हजबैंड और गिवन टू अ वाइफ आफ्टर दे टुक डिवोर्स सो द लॉ इन एक्टेडीन इन नाइनटीन फिफ्टी टू रिकोगनाइज विमेंस राइट टू एलिमनी मीन्स डिवोर्स लेने के बाद हस्बैंड अपने जो प्रीवियस या पहले जो वाइफ थी उन्हें एक अमाउंट देना पड़ता है एज अ कॉम्पेसेशन एंड देयर शेयर इन द फादर्स प्रॉपर्टी और साथ साथ में विमेन को अपने फादर का प्रॉपर्टी में उनको शेयर देना यह सब पहले नहीं होता था तो ये सभी के लिए लॉ बनाया गया 1952 में हर राइट टू स्त्री धन वॉज रिकोगनाइज स्त्री धन मीन्स लड़कियों को घर में से मिलने वाला जो हिस्सा जो अमाउंट उसके बारे उसका भी राइट पोलीगैमी वॉज मेड इलीगल और दूसरा पोलीगेमी इलीगल डिक्लेयर किया गया कानून पोलीगैमी मीन्स एक व्यक्ति को एक पुरुष को एक आदमी को एक से ज़्यादा वाइफ होना दैट इज़ पोलीगैमी हमारा देश में बहुत ज़्यादा वो चलता था लेकिन दैट वॉज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू लॉ इट वॉज कंसिडर्ड एज इलीगल Just like men got the right to sue for divorce. Sue for divorce sue means approach the court. Court ke pas jakar case file kar saktah ladies be for a divorce. Divorce ke liye case file kar na paile sif it was a right of a man. Now new laws were declared so that women also can sue for divorce.

बहुत गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी डाउरी लेना भी और देना भी दोनों रेकग्नेज एस अग्निशिबल क्रिमिनल ऑफेंस कॉग्निबल मीन्स कॉग्निसेबल मीन्स इट इज कंसिडर्ड एज अ सीरियस ऑफेंस बहुत ही बड़ा जुल्म माना जाता है जिस जुल्म में जो आरोपी है यानी जिसके ऊपर वो जुल्म वो इल्जाम लगे हैं उनको विदाउट एनी वॉरेंट पोलिस के अरेस्ट या अरेस्ट और डरी लेने या देना ये दोनों ये बात को एक कॉग्निसिबल ऑफेंस माना है ऐसा एक क्राइम है जिसका वारंट नहीं वारंट के बिना ही पुलिस उसको अरेस्ट कर सकता है सच अ सीरियस ऑफेंस इज कॉल्ड कोग्निसिबल ऑफेंस दिस डिसमेंटल्ड द डाउरी ट्रेडिशन बाय इट्स रूट्स दिस डिसमेंटल्ड डिसमेंटल्ड मतलब एक्चुअली पार्ट बाय पार्ट करके सेपरेट करके अलग करना बट यहाँ पर क्या करना है पूरे तरीके से उखाड़ देना या निकाल देना तो इस एक नया एक्ट ने हमारे ट्रेडिशन डॉरी लेने का दहेज देना लेना वो जो ट्रेडिशन है उसको जड़ से ही निकाल दिया एंड फर्दर एंक्रेज द सोशल मोमेंट और ऐसा एक एक्ट आने की वजह से लेडीज़ के लिए वुमेन के लिए जो सोशल मूवमेंट से और भी एनकरेज हुआ और भी उसे प्रेरणा मिलती रहा द लॉ एलिविएटेड द डिस्ट्रेस द टू वुमेन कॉस्ड बाय दट अनडिसरेबल ट्रेडिशन ऑफ डॉरी और ये लॉ ने एलिविएटेड यानी कम कर दिया बुरा असर कम कर दिया किसका डॉरी ट्रेडिशन का एलिविएटेड द डिस्ट्रेस टू वुमेन औरतों जो औरतों को जो तकलीफ़ें होती थी डिस्ट्रेस परेशानियाँ होती थी उस परेशानियों को थोड़ा हद तक कम कर दिया And those distress were caused by the undesirable tradition of dowry dowry. was not a desirable tradition koi कोई चाहते नहीं ye ये दे या ले, लेने वाले लेना चाहते जरूर है पर कोई देना नहीं चाहता इट वॉज अनडिसरेबल ट्रेडिशन अनडिसरेबल मेन समाज के लिए या किसी के लिए अच्छा फल नहीं देने वाला अच्छा नहीं रिजल्ट देने वाला एक ट्रेडिशन था सो बिकॉज ऑफ दैट विमेन वे आर इन वेरी मच ट्रबल वेरी मच डिस्ट्रेस सो दैट डिस्ट्रेस द अमाउंट ऑफ दैट डिस्ट्रेस

बेनिफिट एक्ट के ज़रिए औरतें जब बच्चे को जन्म देने का वक्त आता है उस टाइम उन्हें काम में से अपने जॉब में से लीव मिलेगा दैट आल्सो कैश लीव मिलेगा दैट मींस पूरे पेमेंट के साथ उन्हें छुट्टी मिलेगा फॉर द केयर फॉर केयर ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड द केयर ऑफ द स्टार्टिंग केयर ऑफ द बेबी इसके लिए वुमेन को उनका वो जो इंस्टीट्यूट में काम करते जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो तो भी उन्हें कुछ मंथ्स का छुट्टी मिलता है दैट ऑल्सो पेएबल मीन्स सैलरी भी मिलता है दैट लॉ इज़ इनेक्टेड इन 1961। अवेयरनेस अगेंस्ट द डाउरी ट्रेडिशन ये जो डाउरी दहेज लेने का जो ट्रेडिशन है जो परंपरा है उसके अगेंस्ट जानकारी लोगों तक पहुंचाना दैट इज अवेयरनेस अगेंस्ट द डाउरी ट्रेडिशन इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ एंटी डाउरी लॉ इंसिडेंट्स लाइक वुमेन सॉरी वुमेन बर्न्स टू डेथ एज सारी पलू कैचस फायर वेल कुकिंग एंड वुमेन स्लिप्स इन वेल वेल वॉशिंग क्लोथ्स राउंड एंड डाइस कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड सो इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ एंटी डाउरी लॉ ये जो कानून डिक्लेयर किया एंटी डॉरी लो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन पर हुआ था? कौन से सा, साल में हुआ था इट वॉज डिक्लेयर वाज स्टार्टेड इन 1961. वो इनैक्ट होने के बावजूद फिर भी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसा सुनने में ऐसा रिपोर्ट न्यूज़पेपर में वगैरह दिखने लगा कि वुमेन वुमेन वांट्स टू तो डेथ एस सारी पलूस कुकिंग खाना पका, पकाते वक्त साड़ी के पल्लू में आग लगकर औरत गुजर गई अदरवाइज वुमेन्न स्लिप्स इन द वेल बॉडी में गिर गए वाइल वॉशिंग क्लोथ्स और डूबकर गुजर गई मर गई ऐसा बहुत सारे न्यूज मिलते थे इन्वेस्टिगेशन स्टिल रिवील्ड डाउरी टू बी द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ सच डेथ्स और ये सभी इंसिडेंट के जब जांच पड़ताल किए इन्वेस्टिगेशन्स किए तो ये पता चला कि ऐसे जितने भी मौत हुई थी सभी मौतों मैक्सिमम डेथ का रीजन डाउरी ही है डाउरी सिस्टम है पता चला द रोल ऑफ पोलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी वेयर हाईलाइटेड सो ये सिस्टम को स्टॉप करने और ऐसे जो डेथ होते रहता है इसको रोकने के लिए पुलिस का जो रोल है पुलिस का स्थान एडमिनिस्ट्रेशन इवन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का इम्पोटेंस या रोल एंड इवन जुडिशरी यानी कोर्ट का रोल ये सब हाईलाइट किया गया दिस क्रिएटेड ग्रेटर अवेयरनेस इसके वजह से समाज में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया एसर्ट द डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट मीन्स ऑलरेडी बनाया हुआ जो कानून है उस कानून के पॉइंट्स में कुछ चेंजेस करना चेंजिंग एंड ऑलरेडी एक्सिस्टेड एक्ट ज कॉल्ड अमेंडमेंट तो ऑलरेडी बनाया हुआ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट करके नया 1984 में फिर से वो एक्ट को स्टार्ट किया या लागू किया केम फोर्स इन इन के विंडू फोर सेम टू द डाउरी ट्रेडिशन सो नाइनटीन के हिसाब से सर्वे के हिसाब से ये पता चला कि वो एक साल में 1988 में 2209 औरतें डाउरी के वजह से डाउरी प्रॉब्लम के वजह से मारे गए इन 1990 द नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स वाज 4835 एंड इन 1993 इट वाज 5377 सो ये काउंट हर साल आगे आगे हर एक दो साल में बढ़ते ही जा रहे हैं दिस नंबोस विल इम्प्रेस अपॉन यू द सीरियसनेस ऑफ द इश्यू ये बढ़ता हुआ डॉरी डेथ का नंबर देख के आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा कि कितना बड़ा एक इश्यू है ये डॉरी ट्रेडिशन माई डियर चिल्ड्रेन आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाकी पार्ट के साथ